हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोल कर स्वागत करता हूँ। चूँकि होली का त्यौहार था, सभी लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस होली के रंगों को और सुनहरा बनाने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें निरंतर पढ़ाई करती रहनी चाहिए। इस तरीके से हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रयास में मैं ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उस सीरीज को और आगे बढ़ाने का काम आप शुरू करते हैं, उसको और आगे कंटिन्यू करने का काम करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स का जो मैथमेटिकल पोर्शन था उसके बारे में बात कर रहे थे, यानी कि मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे। जिसमें पहला लेक्चर हम लोगों ने लगभग डिफरेंशिएशन कवर किया था पूरा, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेशन के ऊपर बात की थी, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। देन जो थर्ड टॉपिक हम लोग लेके आए थे उसका नाम था आपके सामने घातांक, लघुगणक और कुछ बीजगणित के जो बेसिकली फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का हम लोग टॉपिक लेके आए थे, जिसमें हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात की थी, कर्ण, लंब, आधार, उन तीनों में कैसे रिलेशन होता है, किस तरीके से वो आपस में संबंध रखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इतनी बातें क्लियर होने के बाद आज जो आपके सामने 5 नंबर का चैप्टर आने वाला है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगी, चाहे वो डेरिवेशन में देखने को मिले, कहीं आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स के पोर्शन में देखने को मिलेगा। और साथ में जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए समय न गवाते हुए बात करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति की। चूँकि इस टॉपिक का नाम ही है त्रिकोणमिति, तो क्यों ना पहले त्रिकोणमिति के बारे में ही अच्छे से जान लेते हैं कि ये होता क्या है। त्रिकोणमिति जैसा कि हमें दिख रहा है, त्रिकोणमिति लिखा हुआ शब्द है, इसमें 2-3 शब्द यूज हुए हैं, एक तिर, एक कोण और एक मिति। सबसे पहले तिर का मतलब होता है 3, जानने का प्रयास करते हैं। तिर का मतलब होता है 3, यानी कि 3, और कोण का मतलब एंगल, हम लोग जानते हैं एंगल क्या होता है, और मिति का मतलब होता है माप। क्या माप? अर्थात 3 कोणों की माप में जो भी हम अध्ययन करेंगे वो सब आपका त्रिकोणमिति के अंदर आने वाला है। अर्थात 3 कोण कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का जो भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। त्रिकोणमिति में बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं 6, जिन्हें हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से जितने भी 6 त्रिकोणमिति फंक्शन हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उसको जानने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं समकोण त्रिभुज को। तो समकोण त्रिभुज को रिवाइज करने के लिए सबसे पहले तो बनाना होगा समकोण त्रिभुज। लो, ये रहा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का नामकरण हम लोगों ने सीख लिया था पाइथागोरस प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज जब भी बनता है तो उसमें एक एंगल 19 डिग्री होता है। 19 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है उसको नाम हम लोग देते हैं कर्ण, इंग्लिश में जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर एंगल यहाँ पर बना होगा थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको नाम हम लोग देते हैं लंब। क्या नाम देते हैं? लंब। और जो तीसरी भुजा अपने आप बचती है उसका नाम होता है आधार, यानी कि इंग्लिश में उसको बेस बोलते हैं। इतनी बात क्लियर थी? इतनी बात क्लियर है तो आगे हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति फंक्शन पर और 6 फॉर्मूले निकालते हैं। 6 फॉर्मूले निकालेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कभी आपको समकोण त्रिभुज दिखे उसमें लंबकर्ण आधार के रूप में आपके सामने फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा पर। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने निकल के आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। कभी आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कभी आपसे पूछा जाए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कभी आपसे पूछा जाए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले आपसे पूछा जाए। इसके अपोजिट कभी आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कभी आपसे पूछा जाए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कभी आपसे पूछा जाए कि कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
इतने फॉर्मूले, छह फॉर्मूले आपसे कभी एज इट इज पहुंचे जाए तो आपको क्या करना है देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा टेन थीटा, फोर्थ नंबर का आपका कॉसेक थीटा, फाइव नंबर सेक थीटा और छह टेन कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद करने के लिए हम लोग चलते हैं लंब बटे कर्ण पर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण। दूसरा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटमन आधार आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तीसरा जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, उसका फॉर्मूला होता है लंब लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते हैं लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। आधार मतलब बेस। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। नेक्स्ट लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। ठीक है, अच्छा ये तीन फॉर्मूले अगर क्लियर है तो यहां से चलते हैं इन तीन फॉर्मूले पर। ये तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं इसी से। क्या सर? साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कभी आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कॉसेक थीटा। कभी आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, देन आपको आंसर देना है सेक थीटा। कभी आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको आंसर देना है कॉट थीटा। अच्छा, अगर इतनी बात क्लियर है तो इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं हम आसानी से। अर्थात जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, कर्ण अपॉन लंब बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरीके से जो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा, इसका मतलब कर्ण ऊपर आ जाएगा और नीचे आधार आने वाला है। बोलो, ठीक है सर। इसके बाद जो कॉट थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो क्या आएगा? आधार आधार अपॉन लंब बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, ये छह बातें क्लियर हो गए होंगे, छह फॉर्मूले बहुत बेसिकली हमें लर्न हो गए होंगे। अच्छा, इसके लिए एक बात हमेशा याद रखना, फिर से बता रहा हूँ आपको, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। या कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। ये आपस में क्या होते हैं? उल्टे। उल्टा का मतलब ये है, कभी आपसे फॉर्मूला ये पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए कॉसेक थीटा के पदों में, तो आपको क्या लिखना है? वन अपॉन कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। कभी आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा के पदों में, तो वन अपॉन सेक थीटा। कभी आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा के पदों में, तो आपको लिख देना है वन अपॉन कॉट थीटा। इतनी बातें क्लियर हैं? तीन फॉर्मूले ये बेसिकली आपको देखने को कहीं कहीं मिल सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा पता है कॉसेक थीटा, तो यानी कि वन अपॉन कॉसेक थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। सेम ये तीन फॉर्मूले। अच्छा, टेन और कॉट थीटा के दो फॉर्मूले और होते हैं, टेन और कॉट थीटा के दो फॉर्मूले और होते हैं जो होते हैं साइन और कॉस के टर्म में, इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। देखते हैं, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपके सामने, कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बातें क्लियर हैं? ओके, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो क्या हम ये पूरे फॉर्मूले लर्न करें? सर बिल्कुल मत करो, इनको आपको लर्न नहीं करना है, इनको लर्न आपको बिल्कुल नहीं करना है। इनको लर्न करने के लिए केवल आपको दो सेकंड की बात याद करनी है। दो सेकंड की बात कैसे सर? दो सेकंड की बात एक स्टोरी हम आपको बताते हैं। घर में क्या होते हैं? लाल। क्या होते हैं? लाल। लाल मतलब लल्ला को लाल कहते हैं कि नहीं? लो लाल लिख लो सर। क्या लिख लें? लाल। ये लिख लिया। लाल को कौन खिलाता है? कका खिलाते हैं। कौन खिलाता है? कका। कका मतलब दादाजी। ये हो गए कका। इतनी बातें क्लियर हैं? ये सर लाल और कका क्यों पढ़ा रहे हो फिजिक्स में? देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट ये है, जहाँ पर एल लिखा हुआ है उसका मतलब यहाँ पर है लंब, जहाँ पर ए लिखा हुआ है उसका मतलब है सर यहाँ पे आधार, और जहां पर के लिखा हुआ है उसका मतलब है कर्ण। अच्छा ठीक है सर, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। मतलब जहां पर एल लिखा होगा उसको हम लोग लंब पढ़ेंगे, जहां पर ए लिखा होगा उसको हम आधार पढ़ेंगे, और जहां पर के लिखा होगा सर उसको हम लोग कर्ण पढ़ने वाले हैं। के को क्या पढ़ेंगे? कर्ण पढ़ेंगे सर। एल को क्या पढ़ेंगे? लंब पढ़ेंगे सर। और ए को क्या पढ़ेंगे? आधार पढ़ेंगे। ओके, ये क्यों लिखवाया? चलो अभी देखते हैं।
इसके बनाने हैं फॉर्मूले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये सारे छह फॉर्मूले हम लोगों को लिखने हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एस एस फोर साइन, सी यहां लिखेंगे सी फोर कॉस, टी यहां पे लिखेंगे टी फोर टेन। बस बन गए फॉर्मूले। कैसे देखने का प्रयास करते हैं। साइन एस फोर साइन, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, देखो लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार अपॉन कर्ण, देखो आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, इतनी बात सर क्लियर हो गई। इसका अपोजिट आपसे पूछा जाए, क्या साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पूछा जाए तो इसका अपोजिट कर्ण अपॉन लंब। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण अपॉन आधार। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार अपॉन लंब। इतनी बातें क्लियर है। इंग्लिश मीडियम के लिए लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखेंगे देखना गौर से। पी क्या लिखेंगे? पी बी पी, और यहां एच एच बी क्या लिखेंगे? एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। यहां पर इसका बी का पी का मतलब यहां एस, यहां सी और यहां टी। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से सेम इसका अपोजिट कर देंगे तो हम लोग यहां पे पहुंच जाएंगे। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो, ये आपको जनरली देखने को मिलेंगे फॉर्मूले, कहीं ना कहीं आपको ये कहीं आपको डेरिवेशन में फॉर्मूले यूज होंगे, कभी आपके किसी न्यूमेरिकल में यूज होंगे ये वाले फॉर्मूले। तो आपको बेसिकली आपको पढ़ लेने हैं, अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है ना? इसको नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, दो कॉन्सेप्ट और है छोटे छोटे से, उनको भी आज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेडियन और अंश की। किसकी? रेडियन और अंश की बात करते हैं। रेडियन और अंश की बात कैसे करते हैं? चलिए, रेडियन क्या होता है, अंश क्या होता है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। रेडियन जब भी पूछा जाए आपसे तो रेडियन का मतलब होता है पाई में लिखा हुआ नंबर। रेडियन का क्या मतलब होता है? पाई में लिखा हुआ नंबर, ऐसे। और अगर अंश आपसे पूछा जाए तो अंश का मतलब जानते हैं जब किसी नंबर के ऊपर छोटी सी डिग्री लिखी होती है ऐसे, तो उसको हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि अगर आपसे कहा जाए कि रेडियन को आपको बदलना है अंश में, क्या करना है? रेडियन को बदलना है, रेडियन को बदलना है अंश में, बदलना है अंश में, किसमें बदलना है? अंश में। रेडियन को आपको बदलना है अंश में, रेडियन को बदलना अंश में, ठीक है ना? तो अंश में आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 180 अपॉन पाई से। किससे कर देना है? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपका रेडियन में लिखा हुआ नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा अंश में। कैसे अंश? एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल यह है, कभी आपसे ये कहा जाए कि 3 पाई को बदलिए आप अंश में, किसमें बदलिए? अंश में। तो अभी हमने बताया कि जब भी आपको रेडियन में लिखा हुआ नंबर है उसको अंश में अगर चेंज करना होगा तो मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर में 180 अपॉन पाई से या 180 अपॉन पाई से। तो 3 पाई का 3 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। ओके, ये हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 18 3 54 0, इतने डिग्री इसका आंसर हो गया। यानी कि चाहे नंबर ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, दोनों की बातें एक ही हैं। डिग्री में ये कहा जाएगा और रेडियन में इसको ये बोला जाएगा। सेम इसका कॉन्सेप्ट एक और है, कभी आपसे ये पूछा जाए रेडियन को बदलना अंश में, और कभी पूछे आपको कि अंश से बदलो रेडियन में, क्या कहें? अंश से रेडियन में बदलो, अंश से रेडियन में बदलो, अंश से रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो या फिर बदलना। तो इसके लिए आपको जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट लगाना है। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से, मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 180 से। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि आपके सामने कोई डिग्री में नंबर लिखा हुआ है 60 डिग्री, इसको आपको चेंज करना है रेडियन में। तो क्या करना होगा? 60 डिग्री का 60 डिग्री मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। ये हो गया, देखो 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 छिया 18, 6 3 18, तो पाई बाई 3 इसका आंसर हो गया। यानी कि कोई नंबर पाई बाई 3 लिखा हो या फिर 60 डिग्री लिखा हो, एक ही बात है। इतनी बातें क्लियर हैं। कभी आपको रेडियन से अंश में बदलना हो तो आप क्या लिखेंगे?
पाई बाई 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, और कभी आपको अंश से रेडियन में बदलना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। इतनी बातें क्लियर हैं। देन हम अगला जो टॉपिक्स लेके आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे पूरा आपका जो त्रिकोणमिति फंक्शन है उसमें साइन थीटा की वैल्यू, 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 की डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 19 डिग्री की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे उसको कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग अपना दिमाग में छापने का प्रयास करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में क्वाड्रेंट का जो चैप्टर रह गया है त्रिकोणमिति के हिसाब से उसके बारे में भी हम लोग कल बात करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, अपने देश का, अपने नगर का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, निरंतर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।